गुड मॉर्निंग एवरीवन, मॉर्निंग मैम। Okay, beta. So, shall I start or should I will be waiting for one minute. I'm waiting for one more minute. I just to join in the next one. ओके, सो कल हमारी क्लास में थोड़ा सा इशू हो गया था, कंप्लीट नहीं हो पाई थी पूरी। हम लोग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस डिफिकल्टीज कर रहे थे, शेयर कर रही मैं स्क्रीन आपको। हमने कल यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था डिफिकल्टीज इन इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। मैं फिर से इसका वर्ड भी बोल देती हूँ, डिफिकल्टीज कंप्लीट नहीं हो पाया था। आई थिंक सेकेंड पॉइंट पर थे हम। इम्पोर्टेंस हमने कल कंप्लीट कर लिया था, डिफिकल्टीज हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे। सो मुझे बताइए इफ देर इज एनी क्वेश्चंस अंटिल इम्पोर्टेंस, देन आई स्टार्ट विद डिफिकल्टीज। डिफिकल्टीज हम जो कर रहे थे, डिफिकल्टीज ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजंस की, व्हेनेवर एनी इन्वेस्टर और एनी द फाइनेंशियल मैनेजर हैज टू टेक द डिसीजन अबाउट द इन्वेस्टमेंट्स फॉर द लॉन्ग टर्म और मेबी फॉर द शॉर्ट टर्म आल्सो, तो उसको क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं। दो डिफिकल्टीज हम कर रहे थे, जिसमें कि पहला हम मेजरमेंट प्रॉब्लम कर चुके थे, दैट इट हैज बीन वेरी डिफिकल्ट फॉर ऑलमोस्ट एवरी मैनेजर, फाइनेंशियल मैनेजर, to identify and measure the cost and the benefit of the capital expenditure. So capital expenditure matlab, it is for long term expenditure. Proposals tend to be difficult. Why? Because when a good or maybe the large good number of years are involved, then time value measure karna, cost benefit analysis karna, and that particular benefit whether would be there for the long run or not, ये सब मेजर करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। सो मेजरमेंट प्रॉब्लम इज दैट वन ऑफ दैट प्रॉब्लम व्हिच इज फेस्ड एज अ डिफिकल्टी बाय द इन्वेस्टर और द फाइनेंशियल मैनेजर इन द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज अनसर्टेनिटी, ये भी एक अनसर्टेनिटी, क्योंकि फ्यूचर के लिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं, तो दिस इज ऑल्सो अ डिफिकल्ट सिचुएशन टू एनालाइज कि वॉट एग्जैक्टली विल बी हैपनिंग इन फ्यूचर, क्योंकि हमें से किसी को भी फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं पता होता। हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन अवर एनालिसिस कि क्या हो सकती हैं सिचुएशंस, कि कुछ अगर कहीं पर किसी चीज़ का प्राइस रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ने वाला है, कम होने वाला है, कॉस्ट हमारी कुछ कम होगी या बढ़ेगी, हम सिर्फ वो एनालिसिस करके एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, बट वी रियली कैन नॉट टेक दी
एग्जैक्ट एंड द राइट आइडिया, 100% गारंटी कि फ्यूचर में ऐसा ही होगा. सो अनसर्टेनिटी हमेशा रहेगी फ्यूचर में. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज. टेम्पोरल स्प्रेड ये आप जो टर्म है थोड़ा इसको यू हैव टू रिमेम्बर. दिस इज काइंड ऑफ अ न्यू टर्म फॉर यू पीपल. हेलेनिशिया सुना होगा आपने टेम्पोरल स्प्रेड. इसका मीनिंग ये है कि इस पर्टिकुलर टर्म का मीनिंग ये है कि कुछ भी बेनिफिट किसी प्रोजेक्ट से अगर हो रहा है और वो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, तो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में जो बेनिफिट हो रहा है उसको हम किसी एक ईयर में नहीं दिखाते हैं और हम उसको बाइफर्केट करते हैं और हम स्प्रेड करते हैं. 10 साल का प्रोजेक्ट है या 20 साल का प्रोजेक्ट है या जितने भी ईयर्स का प्रोजेक्ट है, उन ईयर्स में हमें उसको स्प्रेड करना होता है, डिवाइड करना होता है. अब दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन कि हम किस ईयर में कितना प्रॉफिट दिखाएं या कितना बेनिफिट दिखाएं, किस प्रोजेक्ट से कितना हो रहा है, क्या हम एक्चुअल कैलकुलेट कर पाएंगे. Temporarily, it has to be spread among number of years, the number of years we have actually invested for in any of the project या फिर किसी मशीनरी किसी asset में भी अगर हम लोग उसको invest करा है. So it is also one of the difficult to analyze that what exact benefit it will be giving over the number of years. क्योंकि एक मतलब हर साल में बराबर का benefit हमको नहीं हो रहा है, किसी में कभी ज़्यादा भी हो सकता है, कभी कम भी हो सकता है. So that calculation and everything has to take place, and this is not easy to calculate. So that is becoming one of the difficulties of the investment decisions. So investment decisions ka difficulties involved hai, iska meaning is ko ye hum sab kuch kar chuke hain. Ab next topic in your syllabus says cash flow. That what is cash flow? और इन्वेस्टमेंट डिसीजन में कैश फ्लो कैसे हेल्प करता है. कैश फ्लो इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो भी फाइनेंशियल मैनेजर ले रहा है लॉन्ग टर्म का या कैपिटल एक्सपेंडिचर का, उसमें कैश फ्लो कैसे हेल्प करता है और कैश फ्लो पहले बार होता ही क्या है. तो हम विल स्टडी नाउ दी व्हाट इज कैश फ्लो. स्क्रीन थोड़ा सा ना बड़ा. अरे यही है, नीच से आ रही है वो तो यूं क्यों हो गया. स्क्रीन शेयर कर रही हूँ. आई थिंक स्क्रीन नहीं आपको दिख रहा है अभी. स्क्रीन शेयर नहीं कर रही. अभी मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? यस मैम. ओके. ओके, सो व्हाट इज कैश फ्लो? कैश फ्लो जैसा नाम से सजेस्ट हो रहा है, इट इन्वॉल्व्स कैश एंड फ्लो मींस द liquidation which and the any transaction which is taking place. Any transaction cash ka flow hona business mein, cash ya cash ke equivalence ka matlab hua ki wahi cash ka transaction agar through bank ho raha hai, so that becomes cash equivalent. To aisa koi bhi transaction jo cash ke through ya cash ka ho raha hai, whenever the cash is transferred from business to outside or from any outside party to the business. तो ये सारी ट्रांजेक्शन जो हैं
these are called कि इसमें cash flow हो रहा है. So cash flow is the net amount, basically that amount of cash या cash equivalents which is transferred into and out of a business. Into the business या तो कोई भी transaction अगर होगा, कुछ भी अगर business को कोई भी transaction is taking place, तो या तो हम बाहर किसी को पेमेंट कर रहे होंगे इन द फ्रॉम द बिजनेस, या बिजनेस से बाहर से हमें कहीं से इनसाइड कोई भी ट्रांजैक्शन होके हमें पैसा मिल रहा होगा, कैश या कैश इक्विवेलेंट. सो दैट बेसिकली इज कैश कैश फ्लो. कैसे? फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हमने किसी कोई रॉ मटेरियल परचेज किया, मैंने पेंटिंग के लिए हमें चाहिए कि रॉ मटेरियल ये चाहिए, इससे हमें प्रोडक्शन करना है, कोई प्रोडक्ट जो हम फिनिश कोई बनाएंगे और उसको आगे बेचेंगे. तो रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए हम जहाँ से लिया, ये एनोटेशन एंड अदर थिंग्स प्लीज आप नहीं डालिए स्क्रीन पर. Vikram, I think you are doing something. So cash flow basically is that amount जो अगर हम इसके raw material अगर purchase करें, तो raw material को लेके आने के लिए, purchase करने के लिए, buy करने के लिए, we will have to make the payment of that. तो वो payment जो हमने किया, it is going from the business to outside किसी भी vendor जिससे हमने वो लिया. So that becomes outflow. जब हम अपना फिनिश गुड तैयार कर लेंगे, उसको बेचेंगे, व्हेनेवर वी विल बी सेलिंग इट इन द मार्केट, देन वी विल बी रिसीविंग सम अमाउंट एज अ कॉस्ट ऑफ द प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट. प्राइस कॉस्ट को हम प्रोडक्ट को किसी प्राइस पर बेचेंगे, और वो जो प्राइस इन द फॉर्म ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंस हमको मिलेगा विद इन द बिजनेस, दैट इज इनफ्लो. कि वो इनफ्लो हो रहा बिजनेस के अंदर, वो आया, दैट इज इन टू द बिजनेस. समझ आया? तो कैश फ्लोज कैन बी इन टू टू थिंग्स. इट कैन इधर भी इनफ्लो, कैश इनफ्लो भी होता है, या कैश आउटफ्लो भी होता है. सो दो ही सिचुएशन में ट्रांजेक्शन हो सकती हैं. किसी भी बैंक अकाउंट का भी अगर हम अपना भी देखें, बैंक अकाउंट की ट्रांजेक्शन या स्टेटमेंट, तो उसमें दो ही तरह से ट्रांजेक्शन होती हैं. तो डेबिट होता है, क्रेडिट होता है. क्रेडिट हो रहा है तो हमारे अकाउंट में पैसा वो सब ऐड होता रहता है. डेबिट ट्रांजेक्शन वो शो कि वो पैसा कितना हमारा आउटफ्लो हुआ है, हमारे अकाउंट से बाहर गया है. Give me a minute. There is some student. Not able to join. देखिए, जिन भी स्टूडेंट्स को ना गाइज, आपको कि जिसको भी इशू आ रहा है ना कनेक्ट करने में, मीटिंग को ज्वाइन करने में, या कुछ भी ऐसा करने में, तो प्लीज़ आप अपना एक न्यू आईडी क्रिएट करने की कोशिश कीजिए रूम पर, एंड देन यू ज्वाइन मी, बिकॉज आई हैव अ ड्रॉबैक दैट आई कैन नॉट टेक योर क्लासेस ऑन गूगल. आई हैव डिस्कस दिस प्रॉब्लम विद मैनेजमेंट ऑल्सो, बट they have asked me that I should be asking the students to get their new IDs done, so I cannot help you in that Google meetings for now, because it is for your benefit also that later on in Zoom whatever classes I am taking, if these are getting recorded also. Recorded also. Google Meet पर मैं record नहीं कर पाऊंगी, and then later on I won't be able to provide you the recordings and all these things also. So that's why I'm taking. There are few students always मुझे message आता है during the class that they are not able to join. So I would always request. मैंने सोचा था कि मैं आप सबको एकदम से ऐसे बता देती हूँ class में as a message that you should be making a new ID and then try joining the meetings. अगर किसी को इशू आ रहा है तो, बट इशू शायद नेटवर्क का भी हो सकता है, क्योंकि हम सब सभी को इशू नहीं आ रहा है. देर आर गुड नंबर ऑफ पीपल हु कैन जॉइन ऑल्सो, लाइक देर आर 21 पार्टिसिपेंट्स नाउ फॉर नाउ एंड यू आर एबल टू जॉइन. तो कुछ लोगों का कहीं पर अगर वो लोकेशन ऐसा है रिमोट जहाँ पे कि उनका नेट, फोन का नेट नहीं चल रहा है, तो अपना लैपटॉप या कुछ कुछ तरह से वो करें, कनेक्शन का प्रॉब्लम भी होता है. ठीक है, तो हम कंटिन्यूइंग कैश फ्लो करते हैं कि कैसे इम्पोर्टेंट है कैश फ्लो. नाउ व्हाई दिस कैश फ्लो इज इम्पोर्टेंट इन द इन्वेस्टमेंट डिसीजन. कैश फ्लो ऑफकोर्स इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. कुछ भी ट्रांजेक्शन होगा तो वो कैश से ही ट्रांजेक्शन हो रहा है, इन और आउट. बट हाउ इट इज इम्पोर्टेंट इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन. इन्वेस्टमेंट डिसीजन तो हम
जो है कि हम ये डिसीजन ले रहे हैं जिसमें कि हम कहीं पर किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं या कोई एसेट परचेस कर रहे हैं या कुछ भी, तो कैसे हमें कैश फ्लो हेल्प करता है इन मेकिंग द बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टर्स या यहाँ पर हम इन्वेस्टर्स या फाइनेंशियल मैनेजर्स भी समझ सकते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी हम ले सकते हैं। कंसिडर द कैश फ्लो स्टेटमेंट एज अ वैल्यूएबल मेजर ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक वो स्टेटमेंट है जिसमें कि सारा कुछ हमें बताया जा रहा है कि पैसा कौन सी एक्टिविटी से आ रहा है, कौन सी एक्टिविटी से जा रहा है। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज जो मैं अब आपको आगे बताऊंगी कि उन एक्टिविटीज से पैसा कैसे इनफ्लो होता है या आउटफ्लो होता है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जिसको हम CFS शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है एक ऐसी स्टेटमेंट है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट विच हेल्प्स अ फाइनेंशियल मैनेजर टू अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वो प्रॉफिटेबिलिटी का हमें आइडिया देता है कि कितना ट्रांजैक्शन इन हुआ, आउट हो रहा है, और आउट और इन हो भी रहा है तो कौन सी एक्टिविटीज से हो रहा है, जिससे कि एक्चुअली में प्रॉफिट का अंदाज़ा लगाया जा सके या लॉस का भी लगाया जा सके कि हमारे पास कितना तो कैश इन हैंड है और जो है भी कैश इन हैंड उसमें हमारा एसेट कितना है। ऐसा तो नहीं कि कैश इन हैंड है लेकिन वो एसेट नहीं है, लाइफ में रिटर्न करना है, क्रेडिटर्स को देना है वापस या कुछ भी ऐसा, तो वो सब स्टेटमेंट हमें हेल्प करता है टू नो द प्रॉफिटेबिलिटी एंड इट आल्सो रिफ्लेक्ट्स द कंपनीज फाइनेंशियल हेल्थ। दैट इज व्हाई कैश फ्लो एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, दीज टू थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट इन मेकिंग द इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इट हेल्प्स बेसिकली टू टेक द बेटर डिसीजन तो लेना ही है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो अगर वो CFS को रेफर करके डिसीजन लेंगे इट विल बी बेटर फॉर देम सो दैट द डिसीजन विल बी मोर प्रॉफिटेबल। कैश फ्लो का भी इम्पॉर्टेंट फैक्टर या कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन, वाई बिकॉज इफ द डिसीजन हैज़ टू टेक प्लेस टूडे एंड नॉट इन फ्यूचर, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारे पास आज है, हम उसमें आज तक के सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर चुके हैं, जो पैसा आज तक आ जाएगा इवनिंग तक हम उसको क्लोज करके जाएंगे, तो वी विल हैव द लेटेस्ट एंड द मोस्ट अपडेटेड डिटेल अबाउट द कैश एंड इट कैन ओनली बी रिसीव थ्रू कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो कि प्रिपेयर खुद ही करता है इन हाउस डिपार्टमेंट जो फाइनेंस मैनेजर या फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, वो इन हाउस ही जनरेट कर भी रहा है, सो दे हैव दैट आइडिया। एंड हमें डिसीजन लेना है फ्यूचर के लिए, हमारे पास करंट का सब कुछ अवेलेबल है, तो वी इट इज ईजी फॉर अस टू एक्चुअली टेक द डिसीजन। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज अ कैश फ्लो कॉन्सेप्ट रादर देन अ प्रॉफिट बेस्ड कॉन्सेप्ट। करेक्ट कंप्यूटेशन ऑफ कैश फ्लो डिसाइड्स द सक्सेस और द फेलियर ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अगर हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट में भी कुछ गड़बड़ कर दी है विच इज नॉट एक्सपेक्टेड कि फाइनेंस डिपार्टमेंट का ये फेलियर है, बहुत बड़ा अगर ऐसा करते हैं तो करेक्ट कंप्यूटेशन जरूर होना चाहिए। कंप्यूटेशन का मतलब है कि कोई भी ट्रांजेक्शन जो इन हुई है वो इन में ही आए, जो आउट हुई है वो आउट नहीं आए, डेबिट को क्रेडिट, क्रेडिट को डेबिट, एक भी ट्रांजेक्शन को अगर कर दिया तो वो इनकरेक्ट कंप्यूटेशन देगा हमको कैश फ्लो का, हमें राइट फिगर नहीं देगा, राइट सिचुएशन नहीं देगा या राइट स्टेटस नहीं देगा हमको हमारी ही कंपनी के कैश फ्लो का। And then it can be a failure also for any investment decision. अगर हम obviously अगर हम जिस data के basis पर decision ले रहे हैं वो data ही अगर गलत है तो जो decision लेने वाले हैं वो भी in any case in long run failure ही होगा या decision भी गलत ही होगा। The structure, now the cash flow statement का structure कैसे होता है? It is like a very normal or common sense statement which includes these three kind of activities: operating, investing and financing activities. So cash इन्हीं तीनों चीजों से आ सकता है, revenue के form में आया या गया बाहर, हमने depreciate कर दिया कोई asset को, taxes हमने pay कर दिए, इसे हम कभी कोई price किसी price पे हम product बेचते हैं तो हम इनवॉइस में आपने देखा होगा प्राइस और कुछ और होता है, उसके नीचे हम GST ऐड करते हैं, जो भी होता है डिपेंडिंग अपॉन दी प्रोडक्ट कि 18% है, 2% है, व्हाटएवर है, वो हम और एडिशन करके कस्टमर से चार्ज करते हैं, वो टैक्सेशन अमाउंट हमें कहाँ पर दिखाना है, जैसे हमें CFS में कंसिडर करना होता है कि पैसा तो ज़्यादा आ गया इनवॉइस से, हमें पैसा ज़्यादा आया बट ऑल्सो दैट सम अमाउंट ऑफ टैक्स हैज़ टू बी पेड टू द गवर्नमेंट, वो हमारा इनकम नहीं हुआ। सो दीज ऑल थिंग्स, जो भी कैश का ट्रांजेक्शन हो रहा है वो इन तीनों एक्टिविटीज से ही होगा फॉर श्योर, या तो हम वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से आ रहा होगा या इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से आ रहा होगा या फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से आ रहा होगा। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं, हमारा जो भी बिजनेस का नेचर है,
अगर हम कोई सर्विस बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, या हम कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में हमारी कंपनी खुद प्रोडक्ट बनाते हैं और फिर उस फिनिश्ड गुड को हम बेचते हैं, या हमारा खरीद कर बेचने का काम है, कुछ लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी करते हैं, दूसरी कंट्रीज से उनको इम्पोर्ट कर लिया, यहाँ पर अपनी कंट्री में कुछ और प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके उसको एक्सपोर्ट करके कोई भी बिजनेस हम उठा लेते हैं, तो उस बिजनेस से रिलेटेड जो भी खर्चों की एक्टिविटीज होंगी वो हम ऑपरेशनल समझते हैं कि ये ऑपरेशंस का काम है और वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो जाती है. सो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इज अ सेक्शन कंपनीज कैश फ्लो स्टेटमेंट, मतलब सेक्शन वाइज डिवाइडेड एक तरीके से कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसमें कि एक सेक्शन में हमने लिख दिया कि सारी एक्टिविटीज विल बी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. उसके अंदर में भी सपोज 10 एक्टिविटीज हमने करी एक महीने में या 10,000 करी है, वट एवर, वो सब उसमें फैक्टर होंगी और वो सारी एक्टिविटीज रिलेटेड टू बिजनेस होंगी. बिजनेस एक्टिविटीज जो रेगुलर बेसिस पे काम हो रहा है, रॉ मटेरियल खरीद लिया, अगर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन रॉ मटेरियल खरीद लिया या कोई वॉइस के थ्रू कस्टमर्स के थ्रू, जो कस्टमर्स ने हमारे प्रोडक्ट खरीदे उनके थ्रू में प्रॉफिट के साथ प्राइस कुछ आया, वो इनफ्लो हो गया, वो सारी एक्टिविटीज जो बिजनेस से रिलेटेड है वो भी फैक्टर्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. ओके, फाइनेंशियल एक्टिविटीज कौन सी होगी? फाइनेंशियल एक्टिविटीज विल बी फोकस्ड दैट हम कैपिटल कहाँ से रेज कर रहे हैं. म्यूट कर दीजिए आप साहिल अपने आप को. ओके, सो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज विल फोकस, कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये भी आएगा कि कहाँ कहाँ से हमने फंड उठाते हैं, जैसे मार्केट से, तो उन सब वो कहाँ से हम लेकर आए, उनकी क्या कॉस्ट थी, कैश डिविडेंड्स देना है, इंटरेस्ट पे करना है किसी बैंक को, कुछ उसका कॉस्ट ना, जो भी हमने कैपिटल मार्केट से रेज किया हुआ है उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी, इन्वेस्टर्स से रिलेटेड, जो इन्वेस्टर्स मतलब यहाँ पर फाइनेंशियल डिसीजन में इन्वेस्टर्स हुए हैं जिन्होंने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ, फर्दर उस पैसे को उनसे लेकर हमने कहाँ इन्वेस्ट किया हुआ, दैट इज सेपरेट. बट फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जहाँ जिन जिन ने हमें अपनी कैपिटल दी हुई है उनको हमें कुछ अगर पे करना पड़ रहा है, तो दोज ऑल थिंग्स विल बी फैक्टर्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. ठीक है, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में कंफ्यूजन रहता है क्योंकि मोर और लेस हमको वो सेम लगती हैं नेम से, बट ये थोड़ा अलग है. इट इज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, आई वुड से ईजी ही है, बस आपको थोड़ा सा एनालाइज करना है कि फाइनेंसिंग में हमें कौन सी एक्टिविटीज़ लेनी है, इन्वेस्टिंग में हमें कौन सी एक्टिविटीज़ लेनी है. फाइनेंस डिपार्टमेंट का ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो ऑब्वियसली कोई एक ऐसी एक्टिविटी जो हमें फैक्टर करनी थी इन्वेस्टिंग में या ऑपरेटिंग में, हमने उसको गलत जगह फैक्टर कर लिया है, इनफ्लो को हमने आउटफ्लो में तो नहीं कर लिया है, या आउटफ्लो को इनफ्लो में तो नहीं कर लिया. बहुत कॉशियसली काम होता है, जो भी स्टेटमेंट्स बनती हैं या जो भी मतलब अकाउंट्स प्रिपेयर हो रहे हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट से किसी भी कंपनी में, दैट दोज ऑल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू बी कंसीडरेशन, टेकिंग इनटू कंसीडरेशन. सो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग कौन सी होगी सेक्शन? कैश फ्लो स्टेटमेंट जो कि दिखाता है कि कैश कहाँ से जनरेट हुआ, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज से, यानी कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज जहाँ से कि हमने पैसा लेके अब आगे हमने कहाँ इन्वेस्ट करा है. फाइनेंसिंग एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज कि हमने जहाँ से पैसा लिया है उनको तो कुछ नहीं पे करना. ठीक है, अभी जिनसे हमने पैसा उधार लिया हुआ दोज आर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. अब हमारे पास बिजनेस में पैसा आ गया, हमने आगे उसको कहाँ इन्वेस्ट किया हुआ इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज. ओके, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ. अब ऊपर जो 3 बॉक्सेज आपको दिख रहे हैं दोज आर इनफ्लो कि पैसा इन एक्टिविटीज से हमारे बिजनेस के अंदर आएगा, और जो नीचे वाले 3 बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं उनमें से ये एग्जांपल्स हैं कि आउटफ्लो के पैसा बिजनेस से बाहर कैसे जा रहा है. तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से इनफ्लो कैसे होगा? जब कैश रिसीट्स रेवेन्यू एक्सीड द कैश एक्सपेंडिचर्स, यानी कि हमने जो भी कैश पैसे लिए हैं वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से वो ज़्यादा होंगे और कैश एक्सपेंडिचर जो हमने खर्चे करें उससे कम, खर्चे हमने कम करे हैं और ऑब्वियसली जो पैसा हमारे पास आया रेवेन्यू जनरेट होकर इन द फॉर्म वो हमारे पास ज़्यादा है, तो इनफ्लो हमें दिखेगा, अदरवाइज इनफ्लो नहीं दिखेगा. हमें फिर दिखेगा कि हमने आउटफ्लो ज़्यादा करा है और रेवेन्यू कम जनरेट हुआ है. इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ होगी जैसे कि हमने कोई प्रॉपर्टी बेच दी, सेल कर दिया अपना, कुछ भी पुरानी मशीनरी थी उसको हमें अब लग रहा बेनिफिट नहीं है रखने में या बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है या समथिंग लग रहा है, या हमारे पास
जरूरत नहीं है उसकी, तो हमने उसको सेल ऑफ कर दिया. उससे हमारे पास कैश क्या होगा, पैसा आएगा, कैश इनफ्लो हुआ, इन्वेस्टमेंट किया हमने कुछ और कैश इनफ्लो हुआ. सो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कोई भी हमने अपना इक्विटी शेयर वगैरह सब बेच दिया या लोन हमने कलेक्ट कर लिया बैंक से, तो हमें पैसा मिल रहा है. ठीक है, इन्वेस्टिंग ये वो चीज़ें हो गई जिनसे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होगी जिनसे कैश इनफ्लो हो रहा है. और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज से कैश इनफ्लो कैसे होगा, जब हम इक्विटी शेयर्स को इशू कर देंगे, डेट्स को इशू कर देंगे. यहाँ पे हम इशू कर रहे हैं, वहाँ पर हम सेल कर रहे हैं, इन्वेस्टिंग में हम सेल कर रहे हैं. ठीक है, आउटफ्लो अब कैसे होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, वो सिचुएशन जब हमारे पास जो पैसा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से आया तो कम और हमने एक्सपेंस ज़्यादा कर दिया, यानी कि हमने बहुत सारा रॉ मटेरियल खरीद के प्रोडक्शन बहुत सारी कर दी और बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करके हमारे पास अब स्टोर कर दिया हमने अपना वेयर हाउस में या स्टोर हाउस में, हमने अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने से पहले हम स्टोर कर देंगे और जैसे अब हमें सेल करना है मार्केट में, तो वो उससे पैसा इन आता या कुछ होता वो नहीं हो रहा है या वो उतना नहीं हुआ जैसे हमने सोचा था. हमने सोचा था कि हम एक लाख यूनिट बना लेते हैं, हम बेच पाएंगे, हम एक लाख की जगह सिर्फ 10 लाख ही बेच पाए. तो एक्सपेंडिचर तो हमने ज़्यादा कर दिया, एक्सपेंसेस हमारे ज़्यादा होगा उसको प्रोड्यूस करने के, लेकिन कैश रिसीट्स जो हुई, रेवेन्यू जो हुआ वो कम हुआ. तो ये वो उस टाइम पर हमें देखेगा कि आउटफ्लो बिजनेस में ज़्यादा हुआ है, इनफ्लो हुआ. सो दिस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का आउटफ्लो ऑफ कैश तब होगा, ये सिचुएशन. इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में जो हमने ऊपर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में डाला है सेल पर, सेल का डाला है, यहाँ पर हम उस चीज़ों को अगर परचेज कर रहे हैं तो उससे आउटफ्लो होगा. अगर हम कोई प्रॉपर्टी ऑफकोर्स तो प्रॉपर्टी हम या कोई मशीनरी कुछ भी इक्विपमेंट हम खरीद रहे हैं इन्वेस्टमेंट के तौर पर, तो उससे पैसा फिलहाल तो आती तो जाएगा ही बाहर, सो दैट इज़ आउटफ्लो. फ्यूचर में अगर उससे कोई प्रॉफिट होगा या वो सब कुछ होगा तो दैट कैन बी इनफ्लो, वो उस फ्यूचर टाइम की कैश फ्लो में हम इनफ्लो दिखाएंगे इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज से. बट जब हम परचेज करें तो वो आउटफ्लो ही रहेगा कैश. फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आउटफ्लो कैसे होगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में हमने किसी को, एक सेकेंड, उदय को फिर से कुछ इशू आ रहे हैं. तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज जो है उनसे आउटफ्लो कैसे होगा कि अगर हम किसी को पेमेंट दे रहे हैं अपने ही शेयर होल्डर्स को जिन्होंने ऑलरेडी हमने पैसे इन्वेस्ट किए, उनको अगर हम पेमेंट कर रहे हैं कुछ भी, सो दोज आर फाइनेंसिंग. कैश फ्लो स्टेटमेंट का मैं आपको बता दिया है वैसे मैंने कि व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट. फाइनेंसिंग अकाउंटिंग में या फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कैश फ्लो स्टेटमेंट इज जस्ट अ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट जो कि सारा कुछ रिकॉर्ड करता है कि तीनों काइंड ऑफ एक्टिविटीज, फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग एंड इन्वेस्टिंग, और इसके इन तीनों एक्टिविटीज के साथ साथ इनफ्लो और आउटफ्लो वो दोनों कुछ रिकॉर्ड करता है. अब इस CFS स्टेटमेंट को देखने के लिए कुछ लोग जो कंपनी में हैं जिनको ये बेनिफिशियल हो सकती है ये स्टेटमेंट, वो ये सारे लोग होते हैं. अकाउंटिंग पर्सनल मतलब वही फाइनेंस मैनेजर या उसकी टीम पूरी, अकाउंट्स का डिपार्टमेंट पूरा, पोटेंशियल लेंडर्स और क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स वो लोग हो गए जिनसे हम जाकर बैंक से या किसी से अगर हमें इन्वेस्टमेंट के पैसा मांगना है तो हम जाके जैसे बोलते हैं कि ठीक है अभी वी वांट दिस मच मनी और समथिंग. सो ऑब्वियसली कोई भी अगर हमें अपना पैसा देगा लगाने के लिए, इंटरेस्ट पे ही चाहे दे रहा है, तो रिस्क इन्वॉल्व है, क्या पता हम उसको पास पैसा वापस ना कर पाए, तो क्या पता हम इंटरेस्ट ना दे पाए, तो वो हमारी फाइनेंशियल हेल्थ देखने के लिए कि कंपनी की क्या कैसी कंडीशन है, उसको CFS, उनको भी क्रेडिटर्स को भी CFS के मतलब हेल्प होती है टू मेक द डिसीजन वेदर टू इन्वेस्ट और नॉट. ऑब्वियसली जब हमें कहीं से लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो बैंक हमसे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन लेता है ना कि हम वो लोन
ऑफिस कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी है नहीं है, सेविंग्स है नहीं है, हमारे बैंक स्टेटमेंट 6 महीने की वो चेक करते हैं कितना पैसा आया गया, उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं कितना पैसा हम आपको दे सकते हैं। इन्वेस्टर्स भी वही सब हो गए जो मार्केट पीपल हैं, हु आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल या डिबेंचर कैपिटल या कोई भी लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ कैपिटल जो हम पढ़ चुके हैं उनमें से किसी भी तरह से कोई इन्वेस्टर्स अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी फाइनेंशियल हेल्थ देखने के लिए CFS को रेफर करते हैं और फिर भी इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं। इम्प्लॉइज जो हो गया विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, सपोज किसी को ज्वाइन ही करना है, सो ऑब्वियसली दो उन इम्प्लॉइज को कंपनीज वुड नॉट ऑलवेज प्रोड्यूस दी स्टेटमेंट कि देखो ये हमारा काम है, ये इतना पैसा है, बट एनी हाउ द पोटेंशियल इम्प्लॉइज और द कॉन्ट्रैक्टर्स हुम वी आर साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट्स टू वर्क, इट इज़ हेल्पफुल फॉर देम ऑल्सो टू नो द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंपनी, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा कुछ कंपनीज इसको अपना कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट समझती हैं और रखती हैं अलग से कि हम नहीं हर किसी को प्रोड्यूस करेंगे, बट ये बैलेंस शीट या ऐसा कोई अकाउंट नहीं है कंपनी का जिस जो कि शेयर ना हो पाए, इट इज़ जस्ट ए स्टेटमेंट। स्टेटमेंट और अकाउंट दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। अकाउंट्स जो भी किसी भी कोई भी अकाउंट अगर हम मेंटेन कर रहे हैं उसकी साइड होती है, अकाउंट्स की साइड होती है, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, इस साइड पर ही एक्टिविटीज आएंगी, दूसरी साइड पर दूसरी एक्टिविटीज आएंगी, और कोई भी अकाउंट अगर हम मेंटेन करते हैं दोनों साइड्स को इक्वल भी हमें करना होता है मैच, तो दोनों साइड्स का इक्वल जो है होना चाहिए जो भी हम एक्टिविटीज कर रहे हैं टोटल, और जहाँ पर भी जो भी साइड लेस होती है अगर एक्सपेंसिस की ज़्यादा है तो उसका मतलब जो बैलेंस दूसरी साइड हम दिखाएंगे वो लॉस में दिखा देते, और अगर तो स्टेटमेंट इज नॉट दैट साइज वाला थिंग, इट इज जस्ट ए नॉर्मल यू कैन से रिकॉर्ड ऑफ द एक्टिविटीज, बट एज फार एज द अकाउंट्स आर कंसर्न उनकी अपनी अपनी और डिटेल होती है, प्रॉपर फॉर्मेट होता है विच द कंपनीज हैव टू फॉलो बाय एनी चांस, उनको उस फॉर्मेट में वो चीज़ करनी होती है, जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, कोई भी बैलेंस शीट इज ऑल्सो एन स्टेटमेंट, इट इज ऑल्सो स्टेटमेंट अकाउंट नहीं है वो, बट उसकी भी साइड हम डिसाइड कर चुके होते हैं कि लाइबिलिटी साइड होगी एसेट साइड होगी, बट ऐसा कोई रूल कहीं पर डिफाइंड नहीं है कि हमें इस फॉर्म में करना है, दूसरा फॉर्मेट अगर कंपनी फॉलो करना चाहिए तो वो कर सकती है, बट कंपनी जनरली एक ही फॉर्मेट स्टैंडर्डाइज जो है वो शेयर को फॉलो करते हैं। तो ये स्टेटमेंट बेसिक शेयर होल्डर्स अगेन ऑफ द बिजनेस, सो कैश फ्लो स्टेटमेंट इज इंटेंडेड टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑन द फर्म्स लिक्विडिटी, क्या बता रही है कैश फ्लो स्टेटमेंट, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, कोई कंपनी ये बोल दे कि हम बैंकरप्ट हो गए हैं तो वो बैंकरप्ट वाला चीज़ इससे पता चलेगी कि कितना कैश इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है, वेदर द फंड्स आर देयर इन द बिजनेस और नॉट, है या नहीं है, तो वो डिसीजन जो कंपनी ले रही है या बोल रही है कि हम बैंकरप्ट हैं, हम कोई नहीं पे कर पाएंगे जो भी लोन्स एंड ऑल है, तो वो सही है या नहीं है वो इससे पता चलता है। ये कंपनी की क्या परफॉर्मेंस है हेल्थ वाइज, क्या फाइनेंशियल हेल्थ क्या है कंपनी की, या परफॉर्मेंस किस तरह से हो रही है कंपनी में, इट डिपेंड्स एंड इट इज शोन थ्रू दिस CFS कैश फ्लो स्टेटमेंट, दिस इज व्हाट इट इज। इसके बाद मुझे कुछ आपको क्वेश्चन रहते बताइए, आपको मेरे से इन्वेस्टमेंट डिसीजंस importance, difficulties and how CFS helps in making the investment decisions, these three things are covered in this PPT, और मैंने कल ग्रुप में आप लोगों को लिंक्स का एक्सेल भेजा था, अगर आप लोगों ने चेक किया हो तो जो भी हमारी न्यू रिकॉर्डिंग्स रहा करेंगे मैं वो सारी रिकॉर्डिंग्स, जैसे आज की रिकॉर्डिंग है, मैंने सितंबर की रिकॉर्डिंग्स अभी अपडेट नहीं करी है वहाँ पर, कल तक कल मैंने अगस्त तक की सारे लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग वहाँ पर ऑलमोस्ट सभी की वहाँ पर मैंने अपलोड कर दी है, तो आप जिन्होंने भी आप में से नहीं लिए हैं कुछ लेक्चर्स या नहीं लिए लुक फॉर दैट डॉक्यूमेंट्स, वहाँ पर आप देख सकते हैं। बाकी एज पर एज नोट्स के डॉक्यूमेंट्स आर कंसर्न मैं आपके ग्रुप में वैसे भी भेज देती हूँ PDF फॉर्म में, इन्हीं PPTs को मैं PDF में कन्वर्ट करके आपको शेयर कर देती हूँ, और आपके उस चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लेंगे ना जो कोई भी एक लिंक पर जाके, देयर विल बी इजी फॉर यू, बस आपको थोड़ा, लेकिन ये है कि फिर से मैं जब भी कभी मैं कोई भी रिकॉर्डिंग अपडेट करती हूँ वहाँ पर तो आपको सबका अपडेट आएगा,
बट क्योंकि मैं और भी सब्जेक्ट्स ले रही हूँ और दूसरे सेमेस्टर्स के डिफरेंट सब्जेक्ट्स, तो आपको वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग वीडियो दूसरे सब्जेक्ट्स के भी दिखेंगे, तो जो आपके लिए इररिलेवेंट है वो आप प्लीज इग्नोर कर दीजिएगा, रेलेवेंट वीडियोज को ही आप कंसिडर करिए और हम आगे उसको ले सकते हैं इस तरह से कि अगर आप उसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पास फ्यूचर के लिए ये हो जाएगा कि व्हेनेवर आई विल बी अपडेटिंग एनीथिंग आपको एटलीस्ट एक नोटिफिकेशन जरूर आ जाएगा। और जो आपकी अपनी रिलेवेंट वीडियोज हैं, फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी 5-6 वहाँ पर जितनी भी वीडियोज हैं वो सब अपलोडेड हैं, और अब सितंबर इस मंथ में मैंने जितनी भी ली हैं वो सभी मैं अपलोड कर दूंगी, तो हो सकता है आपकी वीडियो भी हो सकता है उसमें दूसरे वाले सेक्शन की वीडियो भी हो, क्योंकि एक एक ही पर्टिकुलर टॉपिक को मैं दो बार दे रही हूँ, एक बार आपके साथ दे रही हूँ फिर दूसरे सेक्शन के साथ दे रही हूँ आप ही के सेमेस्टर की, तो एक उसकी दो भी आपको मिल सकते हैं, आपको भी रेफर कर दीजिएगा, कोई इशू नहीं है। जो भी आपको रिलेवेंट लगती है आप वो वीडियोज को लाइक भी कर सकते हैं, सो दैट आपके लाइक डिपार्टमेंट में जो पर्टिकुलर सेक्शन है वहाँ पे उसमें आप आपकी वो रिलेवेंट वीडियोज जो है वो अपलोड हो जाए, Somebody has joined अभी अभी वो आपका हो जाए वहाँ पे रिकॉर्ड और आपके पास सेव हो जाए, एंड लेटर ऑन जब आपका सेमेस्टर ओवर होता है कुछ होता है तो आप उसको अनलाइक या जो भी कर सकना चाहते हैं रिलेवेंट चीज़ों को फिर आप रिमूव भी कर सकते हैं, सो इट डिपेंड्स ऑन यू इफ यू वॉन्ट टू डू दैट, आप वहाँ से रेफर कर सकते हैं। 3 मिनट बचे हैं हमारी इस मीटिंग को ओवर होने में, मुझे कुछ क्वेश्चन आपके पास अगर हैं तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए। असाइनमेंट्स आई होप आप लोग कर रहे हैं, मुझे कुछ असाइनमेंट्स मिले हैं आप लोगों को, आप चाहते हैं कल का टाइम लेना और संडे तक का टाइम लेना तो आप ले लीजिए, संडे इवनिंग तक आप प्लीज मुझे भेज दीजिएगा। नेक्स्ट मैं स्टार्ट कैपिटल बजटिंग मेथड से करूंगी, मैं आपको पीपीटी भी दिखा रही हूँ कैपिटल बजटिंग मेथड्स, ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मॉड्यूल 2 में ही आपके सिलेबस में, क्लासेस सिर्फ 2 ही हो पा रही है एक वीक में, 3 हो पा रही है, बट डिफिकल्ट हो रहा है सिलेबस को कंप्लीट करने में, बट एनी हाउ आई एम जस्ट शोइंग यू दिस इज द नेक्स्ट पीपीटी वी विल बी कंसीडरिंग इन आवर नेक्स्ट क्लास। इन्वेस्टमेंट डिसीजन को मैं क्लोज कर दूँ फिर, आई एम अज्यूमिंग दैट एवरीबॉडी इज डन विद दिस, कैपिटल बजटिंग क्या है इसकी मेथड्स और रिस्क एनालिसिस इन कैपिटल बजटिंग, ये 3 टॉपिक बहुत बड़े हैं, थोड़ा सा लेंदी है, इसमें कवर करेंगे हम, इसमें जो मेथड्स हैं वो बहुत सारे मेथड्स हैं, थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ आपको उसमें करना पड़ेगा अंडरस्टैंड, तो ये नेक्स्ट दिस इज द पीपीटी व्हिच आई एम गोइंग टू टेक विद यू गाइस एंड इट इज ऑफ मेनी पेजेस, बहुत लंबा है पीपीटी है, बहुत लंबा टॉपिक है बेसिकली ये, बट वी विल कवर इट और आई विल ट्राई टू मेक इट कवर्ड इन नेक्स्ट वीक ओनली, अगर आप थोड़ा सा फर्स्ट चलेंगे और थोड़ा सा हमारा कनेक्शन केयरर्स कम आएंगे तो हम कर पाएंगे, आई वॉज वर्किंग ऑन दिस पीपीटी, वंस इट इज डन उसको नेक्स्ट वीक में कवर कर पाएंगे। ऑल्दो कैपिटल बजटिंग एंड इट्स मेथड ये कंप्लीट हो चुका है, रिस्क एनालिसिस में थोड़े 2 टेक्निक्स हैं जो मैं कवर आज में कंप्लीट कर दूंगी, तो पीपीटी विल स्टार्ट नेक्स्ट टाइम आल्सो, अभी टाइम नहीं है तो आई रियली विल नॉट बी एबल टू। किसी एक पर्सन ने अभी ज्वाइन करा है, जस्ट अभी ज्वाइन करा है, मुझे अपना नाम बता दीजिए प्लीज, आई हैव ऑलरेडी क्लिक द अटेंडेंस ऑफ 24 पीपल बट नाउ आई कैन सी देयर आर 25, हु हैज जॉइंड अस नाउ, किसने अभी अभी ज्वाइन करा प्लीज मुझे बता दीजिए, दोबारा मैं कनेक्ट किया, नाम बताओ, हमने एक बार कर लिया मैंने, बाबा कनेक्ट हो जा रहा है, रीकनेक्ट, हर्ष आपने करा अभी बेटा, अच्छा ठीक है कनेक्टेड थे आप, मैं फिर से एक बार कनेक्ट कर लेती हूं, मैंने अभी जब क्लिक किया था तो एक पर्सन कम था इसलिए मैंने सोचा आपको अटेंडेंस मिल जाए, कौन है जिसने, किसी को कुछ उसमें तो इशू नहीं आ रहा है असाइनमेंट में, मैंने देखा कुछ बच्चों ने सारे ही क्वेश्चंस कर दिए हैं, आई वुड वांट कि आप कोई भी उन सब क्वेश्चंस को लॉन्ग टर्म क्वेश्चंस लेकर समझ के चलो और कोई भी एक क्वेश्चन को